ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। जूम क्लाउड पे हमने उस दिन एक तो ऑनलाइन क्लास ली थी, जो कि बहुत ही दुखी बात है। मुझे तो था कि आप लोगों की क्लास अगर 22 की है तो मिनिमम 22 स्टूडेंट्स तो आपके आएंगे, बट कोई बात नहीं। जो बच्चे तो जिन्होंने तो मीटिंग अटेंड की है उनको तो इनको एडवांटेज दिया जाएगा, ठीक है। एडवांटेज किस फॉर्म में मैं दूंगी, ये तो मे भी आपके इनकी मार्क्स क्राइटेरिया में मैं आपको ऐड कर दूं इनके मार्क्स को, या उनको स्पेशल एडवांटेज दूं असाइनमेंट्स में, इट डिपेंड्स ऑन मी। तो जिन्होंने तो आपकी वो ऑनलाइन क्लास नहीं ली उनके लिए थोड़ा डाउटफुल अब है। जो तो बड़े इजीली ले रहे हैं, मैम कह रही हैं करेंगी नहीं, बहुत गलत बात है। मैंने बार बार ग्रुप में आके कहा कि आप प्लीज बार बार क्लास अटेंड करें, इस तरह से जो है वो ना करें, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने सीरियस नहीं लिया मेरी बात को और इन्होंने नॉन सीरियस बिहेवियर अपना अडॉप्ट किए रखा, ठीक है। कोई बात नहीं, ओके। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली है क्या, ठीक है। मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको ना इसके नेम से क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब है मार्केट की इंफॉर्मेशन, है ना। मार्केट की इंफॉर्मेशन कौन लेता है और किस लिए लेता है? मार्केट की इंफॉर्मेशन मार्केटर लेते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं जिनको मतलब ये हो कि हमने अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, या लोगों से ये कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, उनसे पूछना है कि किस किस्म की स्पेंडिंग आप करते हैं, आपको हमारी हम आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। बेसिकली इंफॉर्मेशन दो तरह से इकट्ठी की जाती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, कि मार्केट में कहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन लाई करती है, हमारा ब्रांड लाई करता है। दूसरा हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि प्रोडक्ट कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए करती हूँ। पहले ये होता था एट डोर स्टेप, घरों घरों में जाके जो गोलगेट वाले होते थे वो इनिशियल स्टेज पे पूछते थे, व्यूज लेते थे कस्टमर का इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वहां पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि है तो बहुत अच्छी, एक स्मॉल पेज होता था जिसपे आपको अपना नेम लिखना होता था, कॉन्टैक्ट ईमेल आपकी मर्जी लिखें या ना लिखें, और साथ एंड में आपने क्या करना होता था, अपनी रीजन बतानी होती थी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में और कैसे इम्प्रूव की जा सकता है, या कौन सी आपको फील होता है कि इस चीज को इम्प्रूव कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। तो ज्यादा जो कस्टमर ने कंप्लेन की कि जो उसका कैप होता है ना वो बहुत इतना रीजनेबल नहीं होता कि उसको क्लिक करें तो वो टूट जाता है, जिसकी वजह से टूथपेस्ट खराब हो जाती है, ओपन रहने की वजह से उसका जायका चेंज हो जाता है। कुछ ने कहा कि इसमें फ्लेवर ऐड कर दिया जाए वो हमारे लिए बेहतर होगा। इस तरह से ना मींस के मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम इकट्ठी करना और फिर डिसीजन लेना, ये बेसिकली मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस होता है, ठीक है। ये चार तरह की होती है। अब वो चार तरह की कौन सी होती है वो हम लोग बारी बारी वन बाय वन हर एक लेक्चर में पढ़ेंगे। वो फर्स्ट जो होती है वो होती है मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे। फिर होगा मार्केट रिसर्च सिस्टम, देन होगा एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम और मार्केटिंग डिसीजन सिस्टम, ठीक हो गया। ओके, आई थिंक हमारी शेयरिंग क्लोज हुई है। ओके, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो मार्केटिंग, मैंने आई थिंक आपका बैकग्राउंड सेट कर दिया, आप आसानी होगी टॉपिक को समझने में आ गया आपको। हाशिम बच्चे जो इन्होंने क्वेश्चन लास्ट टाइम मुझसे किया था, बड़ा अच्छा था कि इंटरलिंक करना नहीं आ रहा उनको ना, तो मैंने स्पेशली इस चीज को फोकस करते हुए कि अगर उनको नहीं आ रहा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो बाकी क्लास पूछ भी नहीं रही क्वेश्चन मुझसे, मे भी उनका भी हो, उन्होंने तो मे भी मुझे ये भी नहीं कन्फर्म कि आपने लेक्चर सुने हैं कि नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, मैंने अब जब क्विज स्टार्ट करना है ना तो मैं उसमें सारा कुछ एड्रेस करूंगी आपका, किन किन बच्चों ने के कौन कौन सा लेक्चर लिया और कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे। क्वेश्चन पूछने के भी पॉजिटिव पॉइंट होंगे, जितने बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उतने बच्चों के नेम मेरे माइंड में याद रहेंगे, ठीक है। हसीब वो भी मेरे बच्चे नजर में रहेगा, बेशक आई डोंट नो कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है ग्रुप में या नहीं, बट उनका एक रिस्पॉन्स आ रहा है ग्रुप में, बच्चे मेरी नजर में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन से, अपने नॉलेज से या अपनी क्वेश्चनिंग से मुझे बताना है कि मैं भी क्लास का हिस्सा हूँ या मैं भी क्लास की हिस्सा हूँ, ठीक है। चलें, ये बातें तो होती रहेंगी, आ जाए लेक्चर के ऊपर। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर किस लिए, टू गैदर, सॉर्ट एंड एनालाइज, इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर, वही बात हो गई। चलें, अब ये जो नीचे मैंने आपको नोट्स दिए होते हैं ये स्पेशली आप लोगों की ही फैसिलिटी के लिए मैंने लिखे होते हैं। पर्पस क्या है मैं अगेन बता दूं,
मीटिंग में भी मुझसे एक बच्ची अनम ने पूछा था कि मैम लेंथी होती हैं आपकी स्लाइड्स ना, तो लेंथी मैंने खुद लिखी है आप लोगों के लिए, स्लाइड्स ऊपर है, ये एक्स्ट्रा जो मटेरियल लिखा है ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, आप बुक को बाज दफा नहीं कर पाते, या भी जैसे उर्दू बाजार बंद है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये आपके लिए हेल्पिंग मटीरियल है, ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग नीचे क्या लिखा है मैंने आपके लिए। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट मार्केट प्लेस चेंजेस फॉल्स टू द कंपनी मार्केटर्स, मार्केटर्स हैव टू एडवांटेज फॉर द आस्क, कौन कौन से एडवांटेजेस जिससे मैंने आपको बताया, एक मार्केट और दूसरा प्रोडक्ट रिलेटेड, डिसिप्लिन मेथड फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड टाइम स्पेंड इंटरेक्टिंग कस्टमर एंड ऑब्जर्विंग कंपेटिटर एंड अदर आउटसाइड मार्केट को, मार्केट जो हम लोग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में इकट्ठी कर रहे हैं मार्केट रिलेटेड, तो वो बेसिकली पर्पज उसका होता है कि ऑब्जर्विंग वट आर योर कंपेटिटर डूइंग, ठीक है, इन इन दैट मार्केट एंड विद योर कंपेटिबिलिटी, आपकी कंपेटिबिलिटी के लिहाज से क्या कर रहे हैं, एंड अदर आउटसाइड ग्रुप, सम फर्म्स हैव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड रिच डिटेल अबाउट बायर वांट्स प्रेफरेंस एंड बिहेवियर, ठीक है, कुछ जो फर्म्स होती है उनका पर्पज यही होता है मार्केट को सर्च करना, किसी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको बताना कि आपके प्रोडक्ट की ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपके जो बायर चाहते हैं कि इसको ऐसे ऐसे इम्प्रूव करें, ठीक है, ये पे करते हैं उनको उसके लिए, एंड बिहेवियर, एवरी फर्म मस्ट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन टू इट्स मार्केटिंग मैनेजर, वो मार्केटिंग मैनेजर को देते हैं, अ मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वही बात डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है, बेसिकली ये है क्या, ये किस पे कंसिस्ट करता है, पीपल पे, इक्विपमेंट पे, प्रोड्यूसर टूगेदर, sort, analysis, evaluate and distribute needed timely and accurate information to marketing decision maker. It relies on internal company record, marketing intelligence activities and marketing research. ठीक है, अब हम basically क्या करें, जैसे मैंने आपको four points बताए कि हम market information system के four basically component है, इस आज के lecture में हम एक पढ़ेंगे, सेकंड फिर हम दूसरा पढ़ा, आज हम मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्केट रिसर्च सिस्टम पढ़ेंगे, अब वो है क्या, बेसिकली इसी के सब टॉपिक्स हैं, इसी के कंपोनेंट्स हैं, हाशिम बच्चे क्लियर हो रहे हैं आपको, ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन नीड प्रॉब्स, ठीक है, कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको इस चैप्टर में से, और किस किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिहाज से, सबसे पहले क्या किस लिए पूछी जाती है, व्हाट डिसीजन डू यू रेगुलरली मेक, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद क्या डिसीजन बार बार लेते हो, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, मार्केट को इनहांस करने के लिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड टू मेक दिस डिसीजंस, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत होती है इकट्ठी करने के लिए, ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू रेगुलरली गेट, हमारी सेल्स इतनी इंक्रीज आ रही है, हमारी इस चीज में मसला आ रहा है, फ्लो को कम करो, यहाँ पे ऐसे करो, पीरियोडिकली टेबल्स बनाओ, इसको चेंज करो, एनुअली टेबल्स बनाओ, इस तरह से ये रेगुलर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने इकट्ठी करनी होती है, व्हाट आर द फोर मोस्ट हेल्पफुल इंप्रूवमेंट दैट कुड बी मेड इन द प्रेजेंट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ओके, हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, नीचे दोबारा से देख ले मैंने लिखा हुआ है, द कंपनी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड बी अ मिक्सचर ऑफ व्हाट मैनेजर थिंक दे नीड, ठीक है, वो क्या चाहता है, व्हाट दे रियली नीड एंड व्हाट इज इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल, आज मैं कोशिश कर रही हूँ गला फाड़ फाड़ के बोलूँ ताकि आप लोगों का आवाज मेरी क्लियर आए, ताकि आप लोगों का जो इशू है माइक में यूज किया हुआ है स्मॉल के, ताकि आपको आवाज क्लियर आए, ठीक है, अब होप सो आपको क्लियर आ रही होगी, ठीक है, ओके, अब हम आगे जाते हैं, इंटरनल रिकॉर्ड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, इनका इसका पर्पज क्या होता है, इंटरनल रिकॉर्ड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, अब बेसिकली हम लोग मूव कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल, मतलब मीन्स टू से कस्टमर के ऑर्डर करने से, उसको चीज डिलीवर करने से, उसकी पेमेंट करने तक का प्रोसेस सारा के सारा इसके अंदर आता है इंटरनल रिकॉर्ड में, ठीक है, हमने पीछे देखा ना कि डेली बेसिस पे वो जो कर रहा होता है वो क्या रेगुलरली इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, वो क्या ऑर्डर साइकिल, ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल तैयार कर रहा होता है, सेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये भी डेली बेसिस पे आ जाता है, इंटरनल रिकॉर्ड में आ जाता है, डेली आपको इसकी चाहिए होते हैं, मंथली भी करते हैं, वीकली भी करते हैं, पीरियडिकली भी कर रहे होते हैं, डेटाबेस वेयर हाउसिंग डाटा माइनिंग, ठीक है, अब वेबसाइट से रिलेटेड किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जाए, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा विजिट करें, इससे रिलेटेड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, ठीक है, फिर मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम को हायर किया जाता है कि अब ये जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं इनको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम को, इंटेलिजेंस का मतलब ही क्या है, ठीक है, टू डिटेक्ट द फॉल्ट, ठीक है, कि आप क्या करें, इन्वेस्टिगेट करें वट आर द रीजन बिहाइंड दिस, तो ये बेसिकली हम कर रहे होते हैं, ओके, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट वन जो उसका कंपोनेंट था, किसका कंपोनेंट, दोबारा मैं बता रही हूँ कंपोनेंट किसका था, वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट है,
मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है क्या? इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड सोर्स दैट मैनेजर यूज, जो इस्तेमाल करता है टू ऑब्टेन एवरीवन इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट. मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मैनेजर क्या करता है, जो सोर्स आपको पीछे बताए हैं मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उससे जो वो कलेक्शन इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, उनको वो किस तरह से मैनेजर यूटिलाइज करता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट के लिए. अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें, वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फैक्टर भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिकली ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं, ये लिंक करते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस से. ठीक है, मैं आपको लिंक करना भी बता रही हूँ साथ साथ. अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर एंड सोर्सेज दैट मैनेजर यूज टू ऑब्टेन एवरी डे इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट. क्लियर हो गया आपको? द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम अप्लाइज, जो हमने पीछे पढ़ा इंटरनल रिकॉर्ड, ये इंटरनल रिकॉर्ड जो हमने पढ़ा, सॉरी मूव करें हम लोग, ये इंटरनल रिकॉर्ड जो हमने पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है. सप्लाइज डेटा, रिजल्ट डेटा, बट द मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम सप्लाइज हैपनिंग डेटा. ठीक है, कह रहे हैं जो इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम ने पीछे पढ़ा, उसका मकसद क्या होता है? डेटा प्रोवाइड करना, रिजल्ट निकाल के, भाई इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है. तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस का पर्पज होता है कि उन सप्लाइज, मतलब हैपनिंग, मतलब डेटा को हैपन करना कि वाकई ही ऐसा है, उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है. मार्केटिंग मैनेजर कलेक्ट मार्केटिंग इंटेलिजेंस इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, सच एज रीडिंग बुक, न्यूज़पेपर, ट्रेड पब्लिकेशंस, टॉकिंग टू कस्टमर, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मॉनिटर सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, एंड मीटिंग विद अदर कंपनी मैनेजर्स. ठीक है, उसके बाद नीड्स एंड ट्रेंड्स, नीड्स एंड ट्रेंड्स. अच्छा जी, अब नीड्स में हम देखते हैं फैड, ट्रेंड, मेगा ट्रेंड. ठीक है, अब फैड सब ये अज्यूम कर लें कि ये जो कंपनी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई डिसीजन ले रही होती है, ठीक है, शॉर्ट टाइम डिजायर्स को मीट करने के लिए. ट्रेंड का मतलब है जो ट्रेंड में हो. ठीक है, जैसे फैशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, मतलब हर सीजन में, इस समर वेकेशन में ये ट्रेंड आ रहा है, इस समर वेकेशन में ये ट्रेंड आ रहा है, तो वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना, वो भी कुछ दो चार महीने के लिए रह लेता है, वो भी मीडियम में आ जाता है. बट जो मेगा ट्रेंड का मतलब है लॉन्ग प्रोजेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग्स लाते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसे हासिल किया जा सके. जैसे क्या होता है शॉर्ट टर्म में, मैं इसको एग्जांपल दूं, जैसे एप्पल वालों को पता होता है ना, ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम को ये अलर्ट रहना पड़ता है. एप्पल वाले क्या करते हैं, वो मोबाइल अपना न्यू मॉडल बनाने लगते हैं ना, तो उनकी इंटेलिजेंस कुछ अंदर के पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बताते हैं इसको सैमसंग वालों को कि न्यू मॉडल उनका आने वाला लॉन्च. तो ठीक जिस दिन एप्पल का न्यू मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, साथ ही सैमसंग का न्यू मॉडल आ जाता है, तो सेम उसी वक्त इकट्ठे कैसे आ जाता है, दो महीने पहले या दो महीने बाद क्यों नहीं आता? ठीक है, वो असल में बेस करता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम पे. अब फेड क्या है, इज अनप्रिडिक्टेबल, शॉर्ट लीव एंड विदाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, अ कंपनी कैन कैश ऑन अ फेड सच एज क्रॉस ग्लोब्स ईएम और टीएमए डॉलर्स एंड मींस उसे कि आप ये कह लें कि आप जाते हैं बॉन्ड्स को, आपके पास जो बॉन्ड्स हैं, जैसे आप करंट, आपने पढ़ा होगा करंट लायबिलिटीज, जैसे आपकी, आप जब जाएं फौरन आप उसको कैश में रिकवर करवा लें. ठीक है, ट्रेंड क्या है, अ डायरेक्शन और सीक्वेंस इवेंट्स विद मोमेंटम एंड ड्यूरेबिलिटी, अ ट्रेंड इज मोर प्रिडिक्टेबल एंड ड्यूरेबल देन अ फैड. ठीक है, ट्रेंड रिवील्स द शेप ऑन द फ्यूचर एंड कैन प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस. डायरेक्शन यही प्रोवाइड कर रहा है ना आपको, कि आपको पता है समर वेकेशन आ रहा है, ये फैशन है, आपने इसको फॉलो करना है, ट्रेंड प्रोवाइड, एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करे, इस तरह से आप जाएंगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. अब मेगा ट्रेंड, अ लार्ज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, इज स्लो टू फॉर्म एंड वंस इन प्लेस इन्फ्लुएंस अस फॉर सम टाइम बिटवीन 7 and 10 years longer. ठीक है, अब आपसे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि आज कल के डे में आपको क्या लगता है, व्हाट आर फैड्स, व्हाट आर टू डे फैड्स, ट्रेंड एंड मेगा ट्रेंड. आप इस लेक्चर को सुनने के बाद ग्रुप में हर बच्चा इसका आंसर देगा मुझे, राइट अप करके दें, जिस तरह से भी दें, इसका क्या होगा, इसके मार्क्स ऐड करूंगी मैं आपकी. ठीक है, अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले सके, ये आपके पास है ऑनलाइन क्लास के, तो मार्क्स उसको मिलने थे, मिल गए, अब इसके मिलने हैं. अब मैं देखती हूँ कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे मैंने आपको कहा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या क्या कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट की फोर्सेस के बारे में डील कर रहे होते हैं. जैसे आपको पढ़ा ना मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में डील कर रहे हैं, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये 5 forces शामिल हैं. डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक,
ठीक है, आपकी मर्जी, पॉपुलेशन ना लिखें, जस्ट डेमोग्राफी लिखें, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, पॉपुलेशन और डेमोग्राफी एक ही है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को, इन्वायरमेंट को जज कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन किस हिसाब से, मार्केट, मार्केट को जज करना है इंटेलिजेंस से। अब मैं इससे इंटरलिंक कर रही हूँ, देखिएगा जरा कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है, लेवल ऑफ जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा किसका है, जैसे पाकिस्तान में मेजोरिटी है वो यूथ है, यंग है, ठीक है ना। अब जैसे कहते हैं कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसमें जो है ना 70 या 80% यूथ है, 20 या 10% जो है ना वो अबव एजेस है, ठीक है, जो अबव एज है हमारे पाकिस्तानी भी खुद को कहते हैं हम 50 या 55 ईयर्स हो चुके हैं, वो यार यंग, ठीक है। तो क्यों, हमारी खुराक इस तरह की है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, देखा जाए तो अदर कंट्रीज में इतनी एज नहीं होती, चाइना में होती है, बट वो उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती जैसे हमारे पाकिस्तान, इतनी थी वो बल्क में चीजें उठा रहे होते हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास इतनी ताकत नहीं होती, वो मशीनरी का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, मार्केट ट्रेंड देखते हैं कि किस ट्रेंड में ज्यादा, कौन सी एज, एज फैक्टर ज्यादा, हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो किस फैक्टर को टारगेट करके करनी है, ठीक है, इंटेलिजेंस को कवर, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, मतलब कौन से जो हमारी प्रोडक्ट, कौन सा जो एज सर्कल है वो इसको परचेज कर रहा है, ठीक है। एथनिक मार्केट्स, मार्केट उसको किस तरह से ट्रीट कर रही है प्रोडक्ट को, एजुकेशनल ग्रुप, क्या वो मतलब एजुकेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट है या दूसरों के लिए, अगर एजुकेशनल ज्यादा टारगेट्स को करें तो हमें एजुकेशन को कैप्चर करना चाहिए, हाउस होल्ड पार्टनर्स, ठीक है, उनके लिए अगर है तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मार्केट से मिल जाती है। ये बेसिकली कर रहे होते हैं मार्केट इंटेलिजेंस डेमोग्राफिक को मेजर करने के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्लियर है आपको, इकोनॉमिकली देखा जाए जैसे अब आजकल है कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, आजकल जैसे अर्निंग नहीं हो रही है, कारोबार बंद पड़े हुए हैं, तो उनकी साइकोलॉजी है कम पैसों में ज्यादा चीज मिल जाए, कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, ठीक है। शुरू से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम के अकॉर्डिंग फिर दोबारा देखते हैं कि किस पर्सन की जो प्रोडक्ट बनाएगी, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट करती है कि ये जो इनकम है, ये जो प्रोडक्ट है, ये किसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, मतलब इस तरह की प्रोडक्ट हो कि हर तबके को कैप्चर करे, स्पेसिफिक को करे या बिलो एवरेज को करे, एज सेक्टर के हवाले से करे, या आप वेल्थ डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसमें इनकम सेविंग डेट एंड क्रेडिट, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो है इकोनॉमी के लिए देखा जाए तो ज्यादा जो है वो परचेज वही कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना है जिनके पास इनकी इनकम ज्यादा होगी, या जैसे आजकल वो कर रहे हैं जिनके पास सेविंग ज्यादा होगी, ठीक है, कोई डेट टू क्रेडिट तो नहीं, अगर है तो वो नहीं परचेज कर रहे, रीजन क्या है पीछे ना, इन्वेस्टिगेट करना है। द अवेलेबल परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन करंट इनकम प्राइसेस सेविंग डेट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी एज अ रिसेंट इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड vividly demonstrate trend affecting purchasing power can have a strong impact on business especially for companies whose product are geared to high income and price sensitive consumer. clear ho gaya socio cultural environment aapne dekha jaye to aapke culture ke sath economy ke culture ka link karna hai pehle khud ko dekhe aap kya hain aksar log hote hain jitne marzi advance ho jaye jitna marzi paisa aa jaye jitni marzi society move kar jaye हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं आजकल, ठीक है, हमारी ड्रेसिंग, हमारा, हमारी मतलब ईच एंड एवरीथिंग, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें, हमें अपने कल्चर से वो नहीं होना चाहिए। आज क्या होता है, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वो फैशन डिजाइनर है, वो मार्केट इंटेलिजेंस को उन्होंने हायर किया कि देखें कि किस किस्म का ट्रेंड चल रहा है, हमें बताएं, पर उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट चेंज करेंगे। तो डिजाइनर के कपड़े आए साल आ रहे होते हैं और हर साल चेंज होते हैं, क्यों चेंज हो जाते हैं, ये बेसिकली कंज्यूमर के माइंड साइकोलॉजी से खेल रहे होते हैं। इनको पता होता है, मार्केट इंटेलिजेंस के पीछे इनके बंदे पूरे पूरे मार्केट में बैठे होते हैं, इनको पता होता है कौन सा कस्टमर ये चीज पसंद कर रहा है, ये ज्यादा हो गई, ये रेप्लिका में आ गई, इस चीज को खत्म करना है, अपनी ब्रांड बनाना ही है या अपना एक इमेज बनाना है, तो हमें इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, सोशो कल्चर एनवायरमेंट हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले खुद को देखना चाहिए हम हैं क्या, ठीक है। अक्सर हम लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर पाते, जैसे यूनिवर्सिटीज में देखा जाए तो क्या होता है, स्टार्टिंग में बच्चे जब जाते हैं ग्रेजुएशन कॉलेजेस में पढ़ के जाते हैं, बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती ड्रेसिंग के हवाले से, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। आजकल बच्चे 9th-10th में जा रहे होते हैं अकेडमीज में, मेरी फ्रेंड ने ये ड्रेस पहना हुआ था, उन्होंने ये पहना हुआ था, बॉयज जैसे हैं, हम ये करेंगे, हम वहां पे जा रहे हैं, हम, हमारे फ्रेंड्स को ऐसा कभी नहीं रोका किसी ने, बेसिकली इन्वायरमेंट का असर है, हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये बेसिकली इनका टारगेट होता है इन्वेस्टिगेट करना कि कितना कस्टमर उसके इन्वायरमेंट से इंटरलिंक है, ठीक है। बेसिकली इसमें हमें सारा यही पढ़ना है, खुद को व्यू करें, अदर को देखें वो क्या कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन को व्यू करें, सोसाइटी को व्यू करें, फिर नेचर को करें, नेचर किस तरह की है, व्यू ऑफ यूनिवर्स पूरी करना आपको नेचर करके देखें, अक्सर ऑब्जर्व किया करें खुद को, एज अ मुस्लिम आप खुद को ऑब्जर्व किया करें, ठीक है। मैं अक्सर बैठी होती हूँ तो मैं अक्सर आप यू कांट इमेजिन, सोने से पहले जरूर एक दफा व्यू करती हूँ कि मैंने आज क्या काम अच्छे किए, क्या काम बुरे किए, सुबह क्या क्या काम करने हैं, एक लिस्ट बना लेती हूँ माइंड में, उसके अकॉर्डिंग फिर काम कर रही होती हूँ। नो डाउट अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, अभी आपकी एज, इस एज में समझना मुश्किल होता है, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, सीरियस बिल्कुल ना लें इस बात को, बट सीरियस लें। फ्रॉम अवर सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक वी ऑब्जर्व ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली अ वर्ल्ड व्यू दैट डिफाइन अवर रिलेशनशिप टू अवर सेल्फ, अदर ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, नेचर एंड द यूनिवर्स। उसके बाद है मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन लेयर एक्टिविटीज, ये जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। आप इसको देख लें, वो आजकल क्या कर रहे हैं वहाँ के, जो मोस्टली आप देखा ना उन्होंने सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अपनी दी, ये अमेरिका की एग्जांपल है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, रीडिंग, टीवी वाचिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, गोइंग टू मूवीज, फिशिंग, एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग, बल बार इतना कम होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है, ये उनके अकॉर्डिंग है। द टेबल लिस्ट ऑफ फेवरेट कंज्यूमर लेयर टाइम्स इन द टैक्स, यू विल सी हाउ दिस एक्टिविटी परसेंटेज पार्टिंग हैव चेंज फ्रॉम, वो कह रहा है 1995 में क्या थी और अब क्या हो, देखिए वो एक्सरसाइजिंग पे आ गए हैं, ठीक है। बाकी मूवीज सूवीज का तो मैं इतना नहीं कहूंगी, ना भी कहें तो आपने करना है, बट गार्डनिंग करते थे, कंप्यूटर एक्टिविटीज तो टू मच हो रही है, वो तो कहने की जरूरत, रीडिंग, ठीक है, टीवी वॉचिंग भी आपको सम एक्सटेंड, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग दूर होते जा रहे हैं और अदर कंट्रीज जो नॉन मुस्लिम है उसको अडॉप्ट कर रही है, तो ये हमारी शेमलेस की बात है। हमें चाहिए कि हम अपने नॉर्म्स को, अपने कल्चर्स को प्रमोट करें, बट ये टॉपिक जा रहा है अदर साइड पे, हम मार्केट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें मार्केट इंटेलिजेंस के दायरे में रहकर ही बात करनी है, नहीं तो मिक्सअप कर जाओगे आप। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में आ गया शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट, एंटी पॉपुलेशन प्रेशर, गवर्नमेंटल प्रोटेक्शन। नेचुरल इन्वायरमेंट किस तरह का है आपका, ठीक है, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट था ना, उसको पता था, उसको एक एक टाइम पीरियड के बाद पता चला कि उसको ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको, उसको उसको इतने बैरल पानी की जरूरत है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल पानी की शॉर्टेज होगी, जैसे आजकल चल रहा है इशू, तो पानी की शॉर्टेज हुई है, वो एक फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस की उसको जरूरत है जो नियरेस्ट टू रिवर हो या कुछ इस तरह से हो, तो फॉर एग्जाम्पल उसके पास वे पानी अवेलेबल नहीं होता, तो ये शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है। तो मार्केट इंटेलिजेंस जो होते हैं ना, वो सर्च करते हैं मार्केट में कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने के, फिर डिसीजंस बनाने के बाद वो कहते हैं कि इस चीज का हमें इशू है, फिर वो बताते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट से हम इतना इतना ऑप्टेन, ये पानी वाटर नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, हम उसे इतना ऑप्टेन कर सकते हैं या इतना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर सोर्स, कहाँ से, ठीक है। फिर इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट, ठीक है, एनर्जी के कॉस्ट इंक्रीज हो रही, किस तरह से इसको डिक्रीज कर सकते हैं, मार्केट इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है ना उसके थ्रू उसको यूटिलाइज करते हुए। एंटी पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा, जैसे आजकल प्रेशर देखा होगा आपने, रात को छतों पे जाएं जरा आप, तो आपको स्टार्स और मून बड़े क्लियरली नजर आ रहा होगा, जैसे गाँव में नजर आता है, गाँव में व्यू आप रात को अगर करें ना, तो इतने क्लियर आपको वो मून आपको नजर आ रहे होते हैं, वजह क्या होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती, वहाँ पे इतना वो पोल्यूशन नहीं होती इतनी ज्यादा, जबकि हमारे सिटीज में देखा जाए तो हमें रात को सोते हुए भी ऐसे ना बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी से वो महसूस होता था, इतना क्लियर नजर नहीं आता था। बट आजकल जैसे कोरोना की वजह से रोड बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ कम, मतलब अब ब्लैंक तो नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, बट ये है कि अब 30% कह लें, इससे ज्यादा नहीं है ट्रैफिक ना, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है किसम का। गवर्नमेंट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इसके लिए क्या, गवर्नमेंट इकदाम ये कर सकती है कि जैसे ईंटे बनाते हैं, ईंटे बनाने वाली ये चुनिया होती है, उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई इस टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप नहीं करेंगे। अब देखा होगा सर्दियां शुरू नहीं होती अभी, हम लोग कहते हैं अभी धुंध पड़ गई है सुबह में, फोग पड़ना स्टार्ट होगी, बट वो फोग नहीं होती, फोग होती है, ठीक है, वो क्या होता है, स्मोक होती है। वो क्या करते हैं, वो धुआं चुनिया वाला छोड़ना छोड़ देते हैं, उनको पता होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर लग रहा है इसके साथ, लाहौर के साथ, वो उनकी बैक साइड पे उन्होंने, इंडिया वालों ने उसी साइड पे अपनी वो बनाई हुई है, ताकि उनका जो धुआं है, धुएं का जो एंगल है ना, इसी साइड को पाकिस्तान वाले साइड पे एंटर हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी वो एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे धुंध पड़ गई है, सर्दी आ गई, बट ठंड नहीं होती है, ऐसे ही होता है ना 8 टाइम्स पहले, वो बेसिकली हमारे एरिया को प्लूट कर रही होती है, हमें कुछ नजर नहीं आता। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट,
ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस तरह से इंप्रूव हो सकता है, मार्केट इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेट करके बताती है कि ये वजह है। पहले है पीस, किस तरह से आप चेंज ला सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड इनोवेशन किस तरह से कर सकते हैं, मार्केट में ये चीज है आप इसको इस तरह से कर लें, या सजेशन दे सकते हैं मैनेजर को फॉर डिसीजन मेकिंग कि आप इस तरह से करें तो प्रोडक्ट और मार्केट हमारी इंक्रीज हो सकती है। वेरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट वेरिंग होता रहता है ना। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो जो आपने इनोवेशन किया या अपॉर्चुनिटी लिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेगा ट्रेंड जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक बजट कंप्लीट होना चाहिए कि आपने अपनी कंपनी से रिलेटेड मार्केट और प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए आपने एक बजट स्पेसिफाई कर देना है कि आपने किस तरह अपने प्रोडक्ट में क्या करना है, इन्हांसमेंट करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना है। ठीक हो गया, इंक्रीज रेगुलेशन टू चेंज ऑफ चेंज, और आपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रेगुलेशन एंड रूल्स को भी चेंज करते रहना है इफ पॉसिबल, और अगर आपके वो मार्केट एंड प्रोडक्ट की जो है उस पब्लिसिटी में पॉजिटिव पॉइंट रखे तो, अदरवाइज नहीं। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, इसमें बिजनेस लेजिस्लेशन है, ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। बिजनेस पॉलिटिकल का मतलब ही क्या है, पॉलिटिकल का मतलब है कि आप देखो होगा पॉलिटिक्स, हर काम है पॉलिटिक्स, जैसे अब कोरोना का इशू है, शहबाज शरीफ सब आ गए हैं फॉरन से, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आते सारे, उन्होंने इतना हैवी बजट अपना इंट्रोड्यूस करवाया, 100 वेंटिलेटर, 1000 वेंटिलेटर्स, इतने मास्क, इतना ये, बट दिया क्या, पूरी पार्टी वालों ने मिलके एक एक सिंगल मास्क, ठीक है, एक एक मास्क दिया वो N95 का, और एक एक सोप दिया, एक एक हैंड सैनिटाइजर दिया, वो भी सिर्फ 1 लाख कस्टमर को। तो इट्स नॉट, ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। अब वहां पे आपने देखना है आपने अपनी मार्केट किस तरह से, मार्केट इंटेलिजेंस का काम होता है इस तरह के इन्वायरमेंट में इस तरह से आपने कैसे एडजस्ट करना है वो बताता है, किस तरह के इंटरेस्ट ग्रुप ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप लोगों को कैप्चर करके। मतलब आज के दौर में जैसे कोरोना हुआ हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं, देखा होगा आपने कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप ये मैं भी घर के एग्जांपल दे रही हूँ, हापी के एग्जांपल देखें, अब वो क्या करते हैं, सॉरी हापी को छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं शॉप पे आ जाते हैं, अक्सर शॉप के साथ आ रहा होता है, अब हमारा कमर्शियल तो पहले आती थी, अब वो साथ ना कोरोना वायरस की ना वो एक साथ एड भी कर रहे हैं उसके अंदर कमर्शियल कि भाई इससे जरासीम का खात्मा होता है, तो जो तो एरिया इस तरह का है कि फौरन से वो मतलब उनका 90% रिलाई होता है टेलीविजन पे, अक्सर ये होता है ना बच्चे चीज ऐसे नहीं पिक करते जितना वो टीवी से पिक करें, जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट ने ना PG से 12th तक, तो बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, बड़ा गौर से सुन रहे होते हैं, बड़े जल्दी पिक करते हैं उनको, वैसे जस्टर वो सारा कुछ कर रहे होते हैं ना, तो उसी तरह से तो क्या हुआ वो उनके साथ वो ऐड वगैरह कर देते हैं, वो बेशकरी पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट कर रहे होते हैं कि इस तरह के इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने अपने प्रोडक्ट और मार्केट को मेंटेन रखा जा सकता है या ग्रोथ की जा सकती है। द पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लॉ, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्रेशर ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल, जैसे आजकल प्रेशर गवर्नमेंट डाला हुआ है, सम टाइम दीस लॉस क्रिएट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई ना आपको, आप अपनी हर चीज के साथ हैंडल नहीं करें कोरोना को भी, इस चीज के लिए जरूरी है करो, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बढ़ेगी। मैंडेटरी रिसाइकलिंग लॉज हैव बूस्टेड द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एंड लॉन्च डजन्स ऑफ न्यू कंपनीज मेकिंग न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल। टू मेजर ट्रेंड्स आर द इंक्रीज इन बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। अच्छा, उसके बाद इसका क्या काम होता है, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम का ये सारा कुछ करने कुरने के बाद उसका काम होता है कि वो फोरकास्ट करे एंड डिमांड मेजरमेंट करें कि इन फ्यूचर क्या है, इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन फ्यूचर में आपकी डिमांड क्या होगी, ये इश्यूज आ रहे हैं इनको रिजॉल्व कर लो, अदरवाइज ये इशू होगा, अगर इस सारा के सारा कुछ मेजर कर लिया जाए और कर लिया जाए, फिर वो बताता है कि इन फ्यूचर आपकी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होगा, आपकी मार्केट इंक्रीज होगी, आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन एंड सेल इंक्रीज होगी। नीचे पढ़ लेते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग मेजर क्या कर रहे थे, पोटेंशियल मार्केट, अवेलेबल मार्केट, टारगेट मार्केट एंड पेनिट्रेटेड मार्केट। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल मार्केट नीचे देखें, अगर आप लोग आई थिंक 5th वन लाइन है यहाँ पे, ये देखें पोटेंशियल मार्केट, पोटेंशियल मार्केट है क्या, पोटेंशियल मार्केट इज अ सेट ऑफ कंज्यूमर विद अ सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट ऑफर, सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है उनका, इतना इतना नहीं है मतलब इतना है कि आप बियर अप कर सकते हैं, आप लॉस में नहीं जा रहे, ठीक है। अवेलेबल मार्केट का मतलब है आपको अवेलेबल है, जब आप जाएं वो एक चीज अवेलेबल है, जैसे आप आजकल के दिनों में देखें वेजिटेबल्स एंड मिल्क वगैरह की जैसे शॉप्स वगैरह हो गई, ठीक है, मीट वगैरह जैसे हो गया, तो अवेलेबल मार्केट इज अ सेट ऑफ कंज्यूमर हु हैव इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सेस टू अ पार्टिकुलर ऑफर, ये चीजें हैं जिन तक कहीं ना कहीं एक्सेस है अभी भी ना लोगों को, कस्टमर कंज्यूमर को। टारगेट मार्केट इज अ पार्ट ऑफ द क्वालिफाइड अवेलेबल मार्केट द कंपनी डिसाइड टू परस्यू, द पेनिट्रेटेड मार्केट इज अ सेट ऑफ कंज्यूमर हु आर बाइंग द कंपनी प्रोडक्ट, जैसे
आजकल फीमेल का देखा जाए, गोशवारा रेशो देखी जाए, तो 99% ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है फीमेल की, जबकि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, ये मयरिंग कर रहे होते हैं। ये किसकी बेस पे कर रहे होते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस पीछे बैठी होती है जो मयर कर रही होती है, कंट्रोल करती है चीजों को, पर प्राइस कहाँ बढ़ानी है, प्राइस को कहाँ कम करना है। एग्जाम्पल एक लिखी हुई है मैंने ऊपर, वैसे मैंने आपको इतनी ज्यादा दी लेकिन आप राइटिंग के लिए इसको भी कोट कर सकते हैं। कंपनीज आर प्रिपेयर एज मेनी एज 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड एस्टिमेटेड फॉर 6 डिफरेंट प्रोडक्ट लेवल, 5 स्पेस लेवल एंड 3 टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब इस तरह से जब वो प्रोडक्ट बनाती है, 90 किस्म के डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसमें से जो 5 प्रोडक्ट होती है वो स्पेस लेवल की होती है, कि स्पेस इस तरह की हो तो उसको इस टाइम पीरियड में निकालना है, एडजस्ट करना है। अब 3 टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है, जैसे टाइम पीरियड चल रहा है। ईच डिमांड मेयर सर्विस एज स्पेसिफिक पर्पज, हर एक खास मकसद के लिए होती है। कंपनी माइट फोरकास्ट शॉर्ट रन डिमांड टू ऑर्डर रॉ मटेरियल, प्लान प्रोडक्शन एंड बोरो कैश। इट माइट फोरकास्ट रीजनल डिमांड टू डिसाइड वेदर टू सेट अप रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया। उसके बाद है एस्टिमेटिंग करंट डिमांड टोटल मार्केट पोटेंशियल। इसका एक फॉर्मूला है नीचे गिवन है, आप मल्टीपल पोटेंशियल का और चेन रेशियो मेथड का, नीचे आप नीचे आ जाते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। टोटल मार्केट पोटेंशियल इज अ मैक्सिमम सेल अवेबिलिटी टू ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड। ठीक है, टोटल मार्केट पोटेंशियल का मतलब ही क्या है कि सेल कितनी मार्केट की अवेलेबल है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उतनी क्या सेल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना का सिस्टम चल रहा है, सेल लेवल डिक्रीज हुआ है, तो मार्केट टोटल मार्केट पोटेंशियल का मतलब है कि टोटल मार्केट में हमारी सेल उतनी हो रही है जितना मतलब जो होनी चाहिए इस टाइम पीरियड में। अंडर गिवन लेवल ऑफ इंडस्ट्री मार्केटिंग एफर्ट एंड एनवायरमेंट कंडीशंस, अ कॉमन वे टू एस्टिमेट टोटल मार्केट पोटेंशियल फार्मूला इसके देख लें क्या है, इज टू मल्टीप्लाई द पोटेंशियल नंबर ऑफ बायर। ठीक है, मल्टीप्लाई किसको करना है, पोटेंशियल नंबर ऑफ बायर को मल्टीप्लाई करना है बाय द एवरेज क्वांटिटी ईच परचेज। ठीक है, एवरेज क्वांटिटी ईच परचेज के साथ टाइम प्राइस जो उसके साथ गिवन होती है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ 100 मिलियन पीपल बाय बुक्स ईच ईयर एंड द एवरेज बुक बायर 3 बुक्स अ ईयर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $20 ईच। ठीक है, अब ये मैं उसके ऊपर कर रही हूँ, आप इसको एग्जांपल खुद पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर मुझसे क्वेश्चनिंग करेंगे। ये मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें। ठीक है, ये मैं दोबारा से अब रिव्यू कर रही हूँ, आप देख लें इसको एक दफा। सॉरी मैं बल्कि पढ़ ही दूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन तो करने नहीं है, फिर आप लोगों ने कहना हमें समझ नहीं आई। ओके, देन द टोटल मार्केट पोटेंशियल फॉर बुक्स इज 6 मिलियन। द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट टू एस्टिमेट इज द नंबर ऑफ बायर्स, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद द टोटल पॉपुलेशन इन द नेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मल्टीपल टोटल मार्केट पोटेंशियल निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट मार्केट में टोटल जो है ना वो कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन निकालने के बाद मतलब वो ये कह रहे हैं टोटल पॉपुलेशन आपने निकाली, उसके बाद आप लिखाते हैं इलिटरेट पीपल कितने हैं जिनको इनकी समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल वो 20% है, वो भी उसमें से आपने माइनस कर देने। फिर आपने देखना है 80% आपके पास 100 में से 20 आपने इलिटरेट पीपल को निकाल दिया तो 80% रहेगी, 80 मतलब 209 मिलियन पीपल रहेगा बाकी आपके पास, जिसको आपने कैप्चर करना है। ठीक है, टोटल मार्केट पोटेंशियल चेक करना चाह रहे हैं ना कि कितनी हमारी क्या इस पीरियड में हमारी सेल इतनी होगी जितनी हमने एस्टिमेट की है, एस्टिमेट का अंदाजा लगाया। कोरोना की वजह से इतने लोग तो बिलो एवरेज हैं, पुअर हैं, परचेज नहीं है, इनकी परचेजिंग पावर इतनी निकाल दो इनको, इसका मतलब है 20% निकल गए, 20% इलिटरेट है, उन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, पढ़ नहीं सकते, 20% को भी निकाल दो, बाकी 60% तो है ना, इस तरह से एग्जाम्पल है। ठीक है, टोटल जो उन्होंने कहा सिक्स यहाँ पे जो एग्जाम्पल 261 थे, 261 में से 20% उन्होंने कहा निकाल दिया इलिटरेट पीपल, 80% उन्होंने कहा 209 मिलियन पीपल हो गए एंड इन द पोटेंशियल फूल। फर्दर रिसर्च माइट टेल अस दैट पीपल ऑफ लो इनकम एंड लो एजुकेशन डोंट बाय बुक्स, बुक्स परचेज ही नहीं करते एंड दे कंस्टिट्यूट 30%, ये 30% लोग हैं, ये भी हमने निकाल दिया। अब टोटल हमारे पास इसको भी मतलब मीन्स टू से 20 आपके पास इलिटरेट निकल गया और 20 आपके पास निकल गया पुअर पुअर पीपल। ठीक है, लो इनकम वाले पीपल, तो क्या हुआ 50% निकल गया तो बाकी आपके पास कितना रहेगा 50% 146 मिलियन। ठीक है, टोटल पोटेंशियल मार्केट है, इसका मतलब है आपने देखना है कि इतना आप सेल अपनी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अ वेरिएशन ऑन दिस मेथड, अगर चेंज आ जाए, ये जो आपने एक एस्टिमेट किया इसमें चेंज आ गया, वेरिएशन आ रहा है, ऊपर नीचे को फर्क पड़ रहा है, विच मल्टीप्लाई अ बेस नंबर बाय सेवरल एडजस्टिंग परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये बेसिकली मैं बताना चाह रही हूँ चेन रेशियो मेथड से क्या है। यहाँ तक तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि टोटल मार्केट पोटेंशियल क्या है। ठीक है, टोटल मार्केट पोटेंशियल दोबारा बता रही हूँ
टोटल 100% फॉर एग्जांपल है मार्केट पोटेंशियल आपका 260 मिलियन पीपल। अब कोरोना के बायस आपका कहते हो, आप कहते हो कि मैं जब ये प्रोडक्ट जैसे पहले सेल होती थी अब उतनी नहीं होगी क्योंकि 20% लोग इलिटरेट, उनको तो मैसेज नहीं पहुंचेगा, निकाल दो उसको। फिर उन्हें का 30% लो इनकम वाले वो परचेज नहीं कर सकेंगे, उनको भी निकाल दो। मीन्स टू से 50% आपने निकाल दिया, 50% निकालने के बाद आपके पास जो लोग बचे वो 146 मिलियन बचे। अब आपने बताना है टोटल चेन रेशियो मेथड क्या कहता है। वेरिएशन अगर इसमें चेंजिंग आ जाती है, चेन रेशियो मेथड विच मल्टीप्लाइज, उसका फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाइज बेस नंबर बाय सेवरल एडजस्टिंग परसेंटेज, जो आपने परसेंटेज ये जो आपने एडजस्ट की है, ये जो चेंज की है, ठीक है। सपोज अब इज इंटरेस्टिंग इन एस्टिमेटिंग द मार्केट पोटेंशियल फॉर अ न्यू लाइट बियर स्पेशली डिजाइन टू कंपनी फूड, इट कैन मेक एन एस्टिमेशन विद द कैलकुलेशन इज रिटन इन द स्लाइड। जैसे कि ये स्लाइड के अंदर आपको फार्मूला, इसकी मदद से आप वो निकालेंगे, ये आप करेंगे खुद इसी तरह से जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल दी है। उसके बाद एस्टिमेटिंग करंट डिमांड एरिया मार्केट, ठीक है, पीछे था टोटल डिमांड, अब एरिया मार्केट की आपने एस्टिमेट करना है एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी है, ये भी उसी तरह से आप करेंगे, ठीक है। इसमें आप बस क्या करेंगे, आप मैं पढ़ देती हूँ, आपको नीचे लिखा हुआ है, मार्केट बिल्ट अ मेथड कॉल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल द पोटेंशियल बायर इन द मार्केट एंड एस्टिमेटिंग देयर पोटेंशियल परचेज, कितनी है एरिया में कितनी पोटेंशियल परचेज है, वहां पर टोटल की आप देखते थे, यहाँ पर उस एरिया की देखते हैं। इट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट इफ वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल बायर एंड अ गुड एस्टिमेट ऑफ विच ईच विल बाय, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक एरिया हो, आपको पता होता है कि इस एरिया में इतना पोटेंशियल, इतने लोग खरीद लेंगे, या एक दुकानदार बेसिकली जहाँ पे जो एरिया को होता है उसको पता होता है कि मेरे पास कितने इस एरिया के लोग कवर होते हैं, कितने जो है वो ऑन क्रेडिट पे चीज लेते हैं, कितने ऑन कैश लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस तरह से विजिट करके हम एरिया मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। बेसिक आप खुद पढ़ेंगे, अब आपको मुश्किल नहीं होगी। सेम एज इट, जैसे टोटल पोटेंशियल मार्केट था, एरिया मार्केट पोटेंशियल है, और आप इसको नीचे से पढ़ेंगे, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी डीपली और एग्जाम्पल्स के साथ नीचे दे दी है। नीचे आप देख रहे हैं, मैं नीचे कर रही हूँ कर्सर, और ये वीडियो में होगा आपके, और मैं आपको स्लाइड भी ईमेल कर दूंगी, स्लाइड के ऊपर भी ये लिखा होगा, इन सिर्फ टोटली एग्जांपल्स हैं आपकी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको लाजमी देखिएगा आप, ठीक है। एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड, अब ये करने के बाद सारा कुछ जब हो गया, फिर देखते हैं कि फ्यूचर में डिमांड क्या हो सकती है। अब इतना हमने अगर इस टाइम पीरियड में मार्केट को कैप्चर कर लिया है, इस टाइम पीरियड में हमारी सेल हो रही है, तो हम देखेंगे इन फ्यूचर क्या हो सकती है, हमारे हमारे प्रोडक्ट को लेके क्या एक्सपर्ट की ओपिनियन है। पास्ट सेल एनालिसिस करते हैं, पिछले साल इतनी हुई, पिछले साल इतनी हुई, इन हालात में होती है तो अब कितनी होगी, तो ये बेसिकली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट में बैठे हुए मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल पॉलिटिक्स वाले कर रहे होते हैं इकोनॉमी को लेके, ना गोल्ड प्राइसेस इतनी जाएगी, डॉलर की प्राइसेस इतनी जाएगी, वो कैसे करते हैं, बात तो नहीं आ जाता, वो बेसिकली ऐसे इंटेलिजेंस लोग बैठाए होते हैं जो इस चीज को कैप्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। देयर किस तरह से डेवलप देयर फोरकास्टिंग किस तरह से करती है, दे मे क्रिएट देयर ऑन और बाय फोरकास्ट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स सच एज मार्केटिंग रिसर्च फर्म विच इंटरव्यू कस्टमर से इंटरव्यू लेते हैं, पार्टी सारा कुछ इकट्ठा करते हैं कि आप क्या कहते हैं चीजों के बारे में, उसके बाद वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोरकास्टिंग इज द आर्ट ऑफ एंटिसिपेटिंग, फोरकास्टिंग है क्या, कि फोरकास्ट करना इन फ्यूचर आपकी सेल क्या होगी, फ्यूचर आपको क्या नजर, जैसे अब कोरोना वायरस के उन्होंने कहा था कि 25 तक 50,000 या 15,000 या 25,000 तक जो होगा मरीज जाएंगे, बट इस तरह से नहीं हुआ, एस्टिमेशन गलत थी उनकी, उनके जो टूल्स एंड थे या उनके इंटेलिजेंस बैठे हुए थे वो इतने एक्यूरेट उन्होंने नहीं की। एक्यूरेट तब होती है कि जब नियरेस्ट हो, या थोड़ी सी ऊपर हो या थोड़ी सी नीचे हो, या उसके क्लोजेस्ट हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग एस्टिमेशन में कर रहे होते हैं। ओके, अब नीचे थोड़ा सा डाइव है, फर्म कैन डेवलप सेल्स फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सेल्स, पिछले साल की सेल देखते हुए टाइम सीरीज एनालिसिस, ब्रेक पास्ट टाइम सीरीज इन फोर कंपोनेंट, ट्रेंड साइकिल सीजनल एंड एनालिटिकल, ट्रेंड क्या चल रहा है सेल का, सेल हमारी इंक्रीज होगी या नहीं, अब जैसे ट्रेंड अब चल रहा है, हमारी रिसेशन का पीरियड चल रहा है, लोगों की परचेसिंग पावर इतनी नहीं है, एंड प्रोजेक्ट देम इनटू द फ्यूचर पोटेंशियल स्मूथिंग प्रोजेक्ट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट पीरियड सेल बाय कमिंग कंबाइनिंग एन एवरेज ऑफ पास्ट सेल्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिमांड एनालिसिस मेजरिंग द इंपैक्ट ऑफ अ सेट ऑफ कैजुअल फैक्टर, स्टैटिस्टिकल डिमांड का मतलब ये कैजुअल फैक्टर कितने, इनकम कितनी है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितने, प्राइस कितने, ये बेसिकली हम इससे सारे के अंदर बताना होता है, बाकी आप खुद रीड आउट करेंगे। ये आपके लिए हेल्पिंग मटेरियल था, जितना मैं आपको बता सकती थी मैंने आपको दिया बता। ओके, यहाँ तक तो आपका लेक्चर खत्म हो गया, होप सो आपको समझ आई होगी, और मैंने आप लोगों के जो पॉइंट आपने मुझे बताए ऑनलाइन लेक्चर के अंदर, मैंने उसको उसको कवर करके पूरी कोशिश की है। अब आवाज का भी इशू ना हो आपको, इंटरलिंक करने का भी बता दिया आपको, और एक्सप्लेन भी एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से कर दिया। अब अगर मुझे ज्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, ये इशू मैम आ रहा है, अगली जो आपकी होगी रिकॉर्डिंग उसमें मैं मजीद इम्प्रूवमेंट करूंगी, तो मुझे आप लोगों की
रिव्यूज, आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के क्वेश्चन चाहिए. ठीक है, ओके बच्चों, अपना अपना भी ख्याल रखो, घर में रहो, अल्लाह हाफिज.